जय श्री राम, जय हनुमान। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बुढ़ाने में जो है 8 तारीख को जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकलेगी हनुमान जी की, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो सुबह का समय हो चुका है, सुबह का 10 बजे, दोपहर से ही हो गया। और मंदिर में अभी कीर्तन चल रही है, कीर्तन ही हवन चल रहा है मंदिर में। मुझे लगता है 14 साल दिन यहाँ पर जो है 14 साल दिन समाप्त होगा हवन हमारा। हवन में चल रहा है, नवरात्र चल रहा है और अब तक जाकर 14 से जाकर समाप्त होगा। और इधर देखिए पूजा क्या बना रही है, आज बनाई है इन्होंने पेठा पूरी। देखिए पेठा पूरी, पेठा पूरी बहुत बढ़िया बना लो। देखिए जी रेडी हो चुका हूँ। और इधर सोने दीदी जो है आज ससुराल जाने वाली है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है। लेकिन ये 4-5 दिन के, 2-3 हफ्ते के नाम के जी, यानी कि 10-15 दिन के नाम के लिए आई थी, लेकिन इन्हें अभी जाना पड़ा। जब भी जाना हो इसका इमरजेंसी में, पता नहीं क्यों इनके लीवर का चोट लग गई, भैंस वो गाय ने टक्कर मार दी, तो इसलिए नहीं जाना पड़ रहा। क्योंकि दोनों की और की जिम्मेदारी इनको संभालनी पड़ती है, उधर ज़्यादा जिम्मेदारी है भैया, क्योंकि वहाँ पर जो है इनकी सासु भी नहीं है और इधर मम्मी नहीं है, तो सब जगह ही देखनी पड़ती है। तो दोनों साइड की, तो देखिए इधर पूजा बना दिया, खाना पेठा देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है खाने का, तो और भी स्वादिष्ट आएगा। वाह वाह, मौज ही करती। पेठा पूरी, पेठा पूरी, पेठा पूरी, गरम गरम पेठा पूरी है, कद्दू पूरी, कद्दू पूरी। ठीक, तो ये पूरी गाल ली, वो पेठा गाल लिया मैंने, लेता हूँ मुझे पूरी गर्मा गर्म, तो खा लीजिए आप भी गर्मा गर्म पेठा पूरी, हरी मिर्च। देखिए यहाँ पर हो चुकी है सोना दीदी चलने की तैयारी, बैग पैक कर दिया है इधर। देखिए ये कपड़े ना रख दिए उसमें, ठाक है संदूक में, संदूक में बैड में, वो बैड में। देखिए इसकी पन्नी बदली है, ये तो है पापा जी की साइड तक बनारसी साड़ी है और ये पैंट शर्ट है, और ये मेरी शादी वाली मामी ने भेजा, ये मेरे मामा का ताया, और ये पैंट शर्ट। नहीं इसका पेपर है अपन भी, पेपर पेपर तो आ रहे हैं अब जा। और क्या का पेपर दे रहा, तैयारी क्या कर रही हो? और बैग की 2-3 जोड़े धरे, कितने धरे हैं? बाय ठीक है। क्या सारा अच्छा जी, लाओ तो दिखाओ, ऐसे खिंचवा वाला का फोटो तो इनके यहीं खींच रहा हूँ। हीरो 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 पंते कम दिखाओ, भारी है। चलो हाँ, इतना भारी का आया है, इसको कुछ तो कपड़े बनने इसमें कर लिए। चलो आराम से आ रही है, सब काम भाई क्या दे दे। चलो बाय बाय बाय, पीछे भी देखो बाय। परेशान हो रही जा रही है, तो देख रही देख क्या, तो देख आराम से बैठो। ये गाड़ी को क्या चीज दिखाओ, देखो चलो आराम से बाय बाय बाय, पकड़ ले। तो देखिए जा चुकी है सोना दीदी, ओ ये कहाँ जा रही,
अच्छा छत पे जा ले, चलो ऊपर चलो ऊपर, मैं भी आ रही हूँ कुंडे देगा। फ्रेंड सोना दीदी जा चुकी है भाई छोड़ने के लिए जा रहा है, इन्हें अचानक ही जाना पड़ा तो कुंडे दे देती हूँ नीचे भी। अंकित भाई भी बाजार में जा रहा है सामान लेने के लिए, तो आपका कोई नहीं है बस मैं आ रही ही है। चलो तो ये बनाना है, इसे खाना देना है, सुबह तो मैंने दे देता खाना, तो अब देना है खाना इसे। चलो भाई चलो। ये देखिए जी वाश बेसन के लिए आया, ओ वाश बेसन के लिए आया और शीशे देखने के लिए आया हम यहाँ पर, तो शीशा ये देखिए कैसा लग रहा, और ये देखिए टच वाला। अंकित की इच्छा है ये लेने की, देखिए और एक ऊपर है। बता भाई और वाश बेसन कौन सी है? एक तो एक अंकित और एक ये वाली, ये मुझे पसंद आ रही है वाली, तो मैं तो ये बोल रहा उसको। अभी इसका डिजाइन दिखाता हूँ, वैसे अच्छी लग रही है ये गोल वाली, ये डमर वाली होगी, ये सुराही वाली होगी, ये सुराही वाली होगी, और ये गोल वाली। हाँ भाई कौन सी लगा है? तो ये वाली वाश बेसन हमने ले लिया, देखिए ₹40। चलो जी ले लिया हमने सिंक, वाश बेसन ले लिया हमने सिंक बोला मैं रख ली बाइक में गाड़ी में, वैसे लुटा वैसे ये लगा लीजिए भाई, हाथ लगाना पड़ेगा इसे, हाथ उठा ले भाई उल्टा मुंडल है, एक साइड बैठ ले कहीं बैठ ले बस, इसका सामान दिया सामान उठा लाओ, ये ना चूस होता है बहुत ना चूस, हाँ जी बस बड़े वाले रोड पर ले जाओ, मैं रोड पर ले लिया तो सामान बांध, हाँ सब बांध लो ठीक रहता है, बांध लो जी बांध लो, तो डलगों में गिनने की डर नहीं रहने का, बांध लो टाइट से बस, अब कहीं नहीं भागने का, बढ़िया खींच जा बस 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 घुमा दे भाई, इसका ध्यान रखिए भाई, जा ये तो कहीं जाने का नहीं, इसे पकड़ रखे हैं ये जाना कहीं जा, चलो बैठो ये बैठा लाया है सामान, देखो क्या टंकी लाया है, पाइप है इनका सब, ये देखिए ये लाया है नीचे वाली, ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है, ये वाइट है, ये देखिए जी हम रास्ते में रुके हैं यहाँ नहर के पास, ये देखिए थक गए बैठे बैठे, और गगन उधर देख रहे कैसे कर रहा, देखो इधर ना चाट वालों की भी दुकानें लगी हुई है पास में, थोड़ा आराम करके जब चलेंगे, बैठे बैठे बहुत थक गए, आंखों में भी धूल भर गई।
देखिए जी हम घर आ चुके हैं और गगन कर रहा है आराम, ठंडा हमने पी लिया है और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए क्योंकि नए कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही थी। हाँ गगन कैसा लग रहा है सफ़र करके? गगन की हालत ख़राब हो जाती है सफ़र करते करते। शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं भी घर आ चुका हूँ और सोनू दीदी जा चुकी है अपनी ससुराल, तो गगन छोड़ने के लिए उनको गया है। जब भी जाते हैं अब तो 2-3 फेरे ही गए इमरजेंसी में, अभी उनको रहना था अभी और उनको 1-1.5 हफ्ता रहना था लेकिन वे चले गई और शॉपिंग करने की बात करी थी लेकिन शॉपिंग नहीं हो पाई। तो देखिए फ्रेंड्स खाना मैंने बना दिया है, अभी बनाया है सुबह का, थोड़ा सा पिट्ठा रखा है, पिट्ठे की सब्जी, आटे में डाला है नमक, नमक की रोटियाँ और चटनी, कल सोना दीदी ने बनाई थी चटनी वो देने की तो वो रखी है। जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? आए हो कि आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए सुबह के बज रहे हैं 10, तो खाना मैंने बना दिया है, खाने में बनाया है लौकी की सब्जी और रोटियां सेक दिया है साथ के साथ ही, सबेरे बना लेती हूँ जब मैं खाना के दोपहर का सारा काम निपटा के ना आराम कर लेती हूँ। तो देखिए तो पापा जी का खाना भी पैक कर दिया मैंने टिफिन में, तो भाई लेकर जा रहा है खाना पापा जी का। तो देखिए ये जा कर देखती हूँ यहाँ पर, तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो नहीं झाड़ू तो मैं सुबह में ले आ देती हूँ एक बार बस से झाड़ू। तो ये कपड़े रखने हैं मुझे बेड में, यहाँ पर रखे हैं बेड कपड़े। ये तो मैंने रख दिया है जो वो निकालने हैं जो हमारे वैन नए नए कपड़े, तो अभी भी रख देती हूँ साथ के साथ बैग में। नहीं यहाँ पर सारे नए रखे हैं कपड़े पूरी से पे, वे भी रख देती हूँ बैग में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने साफ सफाई कर दी है कपड़ों की, तय बना के रख दिया अलमारी पे। देखिए बस पोछा रह रहा है, पोछा लगा देती हूँ सारे में कर दे साफ सफाई बाहर भी नहीं और इस रूम में भी। तो झाड़ू भी लगा दिया है मैंने और पोछा रह रहा है और बर्तन रह रहे हैं, बस बर्तन और पोछा बस लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ना सोना दीदी ने ली थी मेरे लिए कुर्तिया तीन जोड़े, ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, ट्राउजर ये ट्राउजर है, थोड़ा सा डिजाइन सा है इस पे नीचे खुले वाले है ट्राउजर। तो देखिए ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये है कुर्ती है ये वाली। प्लेन है इस पर कोई डिजाइन नहीं है, बस ये वाले फूल से है और ये वाले है बस, और ये है फ्रो टाइप की, ये प्लाजा है इस पर ये वाला, ये प्लाजा ये फ्रोक फ्रो टाइप की कोते आते हैं ना ये वाले लिए है मैंने। ये ना मुझे बहुत सुंदर लगी थी कि ब्लैक है ना वाइट होती है तो वाइट गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने वाइट नहीं लिया, बस थोड़ी ऊपर की है वाइट, ज़्यादा तो है नहीं। ये है इस पर सारे ऊपर तीनों पे प्लाजा ही है, ये भी फ्रॉक टाइप की कुर्ती है, वे दोनों मैंने फ्रॉक टाइप की ली है। ये वाली है, ये मुझे तीनों पसंद आ रही थी तो मैंने तीनों ही ले लिया है, सोना दीदी ने दुआई है वैसे तो मुझे, तो यहाँ पर ही आ जाता है बेचने वाले। देखिए तीनों कुर्तियाँ रख दी है मैंने, ये वाली ना मुझे बहुत पसंद आई थी, ये कलर वे मैंने पैदा भी ली तो मैंने ये वाला लिया है,
मेरी पसंद का ये वाला है। और ये देखिए, आप ज़रूर बताना कैसी लग रही है मेरी कुर्ती।